हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? होपफुली आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे अपने अपने घरों में। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर ये विमला की स्लिप है जो कि मैंने दिया था, और वहाँ जो कन्यादान दिया गया जिस टाइम लिखते हैं स्लिप, वो भी स्लिप है, वो भी मैंने लगाई है, मेंशन की है। और विमला कई प्रकार के मेरे को जो है लेटर लिख के देके गई है, ताकि ज़िंदगी में कभी कोई मुझे परेशान न करे, और वो लेटर में सबको बता दूँ। उसके खुद के साइन करे हुए हैं और वो लिख कर दे कर गई है, हर चीज़ लिख के दे के गई है कि मैम ने मेरे लिए लिए क्या क्या किया। और मैं ये भी बता दूं कि जब वो कार्ड देने आई थी तो उसने ये बोला था कि मैम अगर आप शादी में नहीं आए तो मैं फेरों में नहीं बैठूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी। और खूब रोई थी वो मेरे चिपक के गले लग के। तो मैंने उसको समझाया, बेटा मेरी तबीयत ख़राब रहती है, मैं नहीं जा पाऊंगी, सर आ जाएंगे, हनी आ जाएगा, मेरा भाई आ जाएगा। और इस वजह से फिर उसको बड़ी मुश्किल से मैंने समझा बुझा के घर भेजा था, और वो मानी थी, इस चीज़ के लिए एग्री हुई थी। लेकिन फिर भी मैंने उसको यही बोला था, मैं आऊँगी आऊंगी। लास्ट तक भी वो कॉल कर रही थी कि मैम आप आ रहे हो क्या, वो आप आ रहे हो क्या। और वह मेरे को हर चीज़ की क्लिप भेज रही थी, फोटो भेज रही थी, वीडियो भेज रही थी, हर चीज़ के वीडियो मेरे पास हैं। और ये उसने खुद वीडियो बनाकर भेजा है, ये जो सामान मैंने दिया है, ये चीज़ें, क्योंकि मैं वीडियो नहीं बना पाई थी तो उसी ने भेजा था मुझे। तो ये उसी के घर का वीडियो है जो उसने मुझे शेयर किया है, बाकी मेंशन कर रखा है मैंने सब कुछ। और वो खुद मेरे को कई प्रकार के लेटर लिख कर दे के गई है, और कई जनों के साइन करवा के दे के गई है, एक दो जनों के जिसको कि उस पर डाउट था कि ये मैम को परेशान भविष्य में कर सकते हैं। तो सबका लिखित डाटा मेरे पास है। मैं कौन सा घड़ी का इसके अंदर डाल दिया।
वीडियो कॉल कर फोटो वाला वन ब्लाउट है अजी फोटो का अच्छा वो साइलेंट करने के या बदर तुम मानते के ना देख करने का बात भाई ये ठीक है ले या मदद कम माने का मैं काहे बोलूं मां कैसा करने का है अब ये तार को बिल की जरूरत पड़े सब का बिल से मार दो कौन जो तो और दो दिन एक गुना पर ऐसा नहीं है कोई लक्ष्मी एक दिन बैठे हैं मतलब जाने निकल के चले कोई बात नहीं आप खाना वाना खा लिया ना सुबह जाना शुरुआत ही नहीं किया कोई बैठे हो छोटा सा ये क्लिप शेयर कर रही हूँ उसके घर का ताकि गवाह है ये मेरा भाई है ये मेरा बड़ा बेटा है और स्वामी जी वीडियो शूट कर रहे हैं और ये उसका घर है गांव का और ये सोने की चीज़ें दी है जो विमला हर सबूत मुझे देके गई है साइन करके कि मैम को भविष्य में कोई भी परेशान नहीं करे वह जानती थी कि मैम कितना प्यार उससे करती है तन मन धन से मैंने उसको सपोर्ट किया चाहे मेरी कितनी भी तबीयत खराब हो मैं दूर दूर कॉलेज में गई हूँ और ये जब वो फर्स्ट बार मेरे घर आई तो बेटी को दिया जाता है वही सब कुछ मैंने उसको दिया है इसमें मेरी मम्मी ने भी साड़ी भेजी थी उसके लिए कन्यादान के लिए तो वो साड़ी भी इसी में है एक साड़ी मम्मी ने भेजी थी और पैंट शर्ट भेजा था एक जोड़ी पवन जी के लिए मम्मी ने मेरी मम्मी की तरफ से भी और भाई तो गया ही था और भाई गया मम्मी तो मेरी ही है जो मैंने सब कुछ दिया वो मम्मी का ही है क्योंकि मम्मी ही मेरी सब कुछ है तो यहाँ पर ये क्लिप छोटी छोटी मैं शेयर कर रही हूँ और विमला मैं बार बार बोल रही हूँ कि विमला मुझको सब कुछ लिख कर देके गई है साइन करके देके गई है और ये स्लिप है ज्वेलरी वाले की और जो है विमला की स्कूटी में बेच रही थी कि बेच कर पैसे उसी को दे दूं लेकिन फिर पवन जी से फ़ोन पर बात हुई तो उन्होंने मना कर दिया कि मैम ये भविष्य में स्कूटी विमला के काम आएगी तो मैंने कन्यादान में स्कूटी भी दी है उसको जो कि मेरे किस्तों सहित 1,25,000 की पड़ी थी और 2-3 किस्त जो है लॉकडाउन में विमला ने जमा कराई थी बाकी 13,000 मैंने नगद लॉकडाउन में उसको दिए थे कि ये किस्तें जमा करा देना तो बाकी किस्त उसमें से जमा कराई थी लिखित उसके खुद के हैंडराइटिंग उसके हाथ की लिखी हुई मेरी डायरी में सब कुछ मेंशन है क्योंकि वो खुद डायरी मेंटेन करती थी तो थैंक यू सो मच एवरीवन और यही है अब आप लोग मेरे ऊपर लांछन मत लगाना कि मैंने कन्यादान नहीं दिया था थैंक यू सो मच।